नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों, मैं हूँ सोनिया और फाइव कलर्स ऑफ ट्रेवल की टीम अपने राजस्थान के सफ़र में आ पहुँची है अजमेर की बेहद ही खूबसूरत जगह अन्ना सागर लेक पर। तो आइए आपको दिखाते हैं इस बेहद ही खूबसूरत झील के खूबसूरत नज़ारे। अजमेर की आना सागर लेक एक आर्टिफिशियल लेक है जो चौहान वंश के फेमस राजा पृथ्वीराज चौहान के दादा अर्णोराज चौहान द्वारा बनाई गई थी। वे आना जी के नाम से भी जाने जाते थे, इसलिए इस झील का नाम उनके नाम पर रखा गया। आना सागर झील न केवल अजमेर की सबसे बड़ी झील है बल्कि राजस्थान की सबसे प्रसिद्ध झीलों में से एक है। बेहद सुहाना मौसम होने के कारण यहाँ पर घूमने का सबसे अच्छा समय अक्टूबर से मार्च का माना जाता है। यह झील 13 किलोमीटर दूर तक फैली है जो राजस्थान के अजमेर शहर में स्थित है। झील पर जलागम 1135 और 1150 ईस्वी के बीच स्थानीय लोगों की मदद से बनाई गई थी। इसके बाद शाहजहां द्वारा अजमेर में लंबे समय तक रहने के लिए 1637 में बरादारी या मंडप बनाया था। दौलत बाग गार्डन का निर्माण झील के तट पर जहांगीर द्वारा किया गया था जो झील की खूबसूरती को और भी ज्यादा बढ़ाता है। झील के मध्य में एक द्वीप भी है। द्वीप तक पहुंचने के लिए नौका या जेट स्की दौलत बाग के पूर्वी छोर से लिया जा सकता है। झील के पास पहाड़ी पर एक सर्किट हाउस है जो पहले ब्रिटिश रेजिडेंसी हुआ करता था। 12वीं शताब्दी की यह खूबसूरत झील हर साल हजारों पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करती है। आना सागर झील अजमेर रेलवे स्टेशन से लगभग 1.5 किलोमीटर की दूरी पर है। पर्यटक जो इस ऐतिहासिक झील पर जाना चाहते हैं वे या तो रिक्शा या फिर टैक्सी किराए पर ले सकते हैं। और अगर आप अपने ट्रिप को और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनाना चाहते हैं तो यहाँ तक पहुँचने के लिए सैर करते हुए भी जा सकते हैं। इतना ही नहीं, आप इस झील के किनारे पर घुड़सवारी और ऊंट की सवारी का भी भरपूर आनंद ले सकते हैं। साथ ही यहां पार्किंग के लिए भी आपको बेहतर सुविधा मिल जाएगी। इस झील में आपको प्रवासी पक्षियों की दुर्लभ प्रजातियां भी अटखेलियां करती दिख जाएंगी। फोटोग्राफर्स और नेचर लवर्स के लिए यह एक बेहतरीन डेस्टिनेशन है। देश विदेश के पर्यटक अजमेर आएं और आना सागर झील ना देखें
ये तो हो ही नहीं सकता। आपकी जानकारी के लिए बता दें, इसी झील से अजमेर नगर को पीने का पानी भी उपलब्ध होता है। इस झील के चारों ओर संगमरमर के दरवाजे बने हुए हैं। जब यह झील भर जाती है तो इसका पानी अजमेर नगर में ही स्थित एक अन्य झील पाई सागर में छोड़ दिया जाता है। 12वीं सदी में निर्मित इस झील को लूणी नदी से विकसित किया गया था। सन 1637 में शाहजहां द्वारा लगाया गया दौलत बाग इस झील के सौंदर्य को और भी ज्यादा बढ़ा देता है। सूर्यास्त के समय यह झील बहुत आकर्षक दिखाई देती है। अगर आप इस झील को देखना चाहते हैं तो शाम के समय जाएं, क्योंकि इस दौरान ये कई अद्भुत दृश्य प्रस्तुत करती है। आणा सागर झील राजस्थान की सबसे लोकप्रिय झीलों में से एक है और इसका नाम भारत की सबसे बड़ी झीलों की सूची में भी शामिल है। यह झील दौलतबाग गार्डन से घिरी हुई है, जो दिखने में एक बहुत ही शानदार बगीचा है और हरे भरे वातावरण से भरा हुआ है। अगर आप अजमेर की यात्रा करने की योजना बना रहे हैं तो आपको इस झील को देखने के लिए ज़रूर जाना चाहिए, क्योंकि इसके बिना आपकी अजमेर की यात्रा अधूरी रह सकती है। इस झील पर बने द्वीप पर पहुंचने के लिए आप नाव का सहारा ले सकते हैं। ये झील कई तरह की रोमांचक कार्यों के लिए भी अनुकूल है, जैसे आप मोटर बोट का आनंद ले सकते हैं, जेट स्की कर सकते हैं और ऐसी ही अन्य कई तरह की बोटिंग का मजा उठा सकते हैं। यहाँ पर आकर पर्यटक झील के किनारे टहलते हुए स्ट्रीट फूड जैसे पॉपकॉर्न, गोलगप्पे, गन्ने का रस, पापड़ इत्यादि का भी मजा ले सकते हैं। आणा सागर झील देखने और घूमने के लिए आपको एंट्री फीस देनी होगी, जो तकरीबन 25 रुपये है। और अगर कोई पर्यटक बोटिंग करता है तो इसके लिए उन्हें अलग अलग बोटिंग के लिए अलग अलग शुल्क अदा करना होगा। अगर आप आणा सागर झील घूमने की योजना बना रहे हैं तो आपको बता दें कि यहाँ की यात्रा करने का सबसे अच्छा समय अक्टूबर से मार्च के बीच का है। इस दौरान यहाँ का मौसम काफी सुखद होता है और झील पानी से लबालब भरी होती है। गर्मियों के मौसम में यहाँ की यात्रा करने से बचें तो ही बेहतर होगा, क्योंकि इस दौरान चिलचिलाती गर्मी आपको परेशान कर सकती है। इसीलिए हम आपको सलाह देना चाहते हैं कि सर्दियों के मौसम में ही यहाँ की यात्रा करें। झील के इस खूबसूरत नज़ारे के साथ मैं लेती हूँ आपसे विदा। मिलते हैं फाइव कलर्स ऑफ ट्रैवल के किसी नए ब्लॉग में किसी नई जगह के साथ। चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। नमस्कार।